जैसा कि आप सभी को विदित है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन 4 दिसंबर 2024 को होना है। इस परीक्षा में हमारे राज्य को बेहतर स्थिति में लाने के लिए हम सभी को मिलकर इसके लिए सार्थक प्रयास करनी है। इसी कड़ी में परख परीक्षा 2024 के लिए राज्य स्तर से राज्य स्तरीय परख परीक्षा का मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ये परख परीक्षा का मॉक टेस्ट पूरे प्रदेश में सभी विद्यालयों में एक साथ एक ही दिन आयोजित की जाएगी। साथ ही परख परीक्षा आयोजित करने के बाद बच्चों की जो ओएम शीट है उसका संकलन करने के बाद उनको विद्यालय स्तर पर ही संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा भरी गई ओएमआर शीट में अंकन की गई उत्तर की ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भी इसकी प्रविष्टि वेब पोर्टल में की जानी है, जिससे कि यह डाटा उसी दिवस राज्य पर पहुंच जाएगा और राज्य स्तर से इस डाटा को एकत्र कर इसका विश्लेषण किया जाएगा और इसी विश्लेषण के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम विद्यालय स्तर पर राज्य स्तरीय मॉक टेस्ट का आयोजन कर पाएंगे, साथ ही ओएमआर शीट में किस प्रकार से विद्यार्थियों को उत्तर का अंकन करना है, जो भी उसमें बेसिक जानकारी पूछी गई है उसे कैसे भरवाना है, उसके बाद निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के बाद विद्यार्थियों से उसे ओएमआर शीट को कलेक्ट करने के बाद उनकी जाँच विद्यालय स्तर पर ही की जानी है, उसके बाद उस ओएमआर शीट में जो विद्यार्थियों के द्वारा उत्तर का अंकन किया गया है उसको हम किस प्रकार से हम वेब लिंक पर ऑनलाइन एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो साथियों, मॉक टेस्ट आयोजन का उद्देश्य केवल कि विद्यार्थियों को अच्छे से तैयारी कराना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर मेहनत करने से, निरंतर परिश्रम करने से हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए इसको 3 स्टेप में चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि पहले ओएमआर शीट किस प्रकार से हमको फिलअप करनी है और फिलअप करवाने के बाद विद्यार्थी किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को ओएमआर शीट में अंकन करेंगे। उसके बाद जैसे ही विद्यार्थी ओएमआर शीट फिलअप कर लेते हैं और निर्धारित समय अवधि के पश्चात जब हम उनके ओएमआर शीट को कलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार से हम उसके ओएमआर शीट की जांच करेंगे और अंतिम में फिर विद्यार्थियों द्वारा अंकन किए गए ओएमआर शीट के उत्तर की जो एंट्री है हमको ऑनलाइन वेब पोर्टल पर करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ओएमआर शीट की। यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर एक ओएमआर शीट दिखाई पड़ रहा है। यह जो ओएमआर शीट है राज्य स्तरीय मॉक टेस्ट आयोजन के पूर्व आपको आपके संकुल के माध्यम से आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको परख 2024 परख टेस्ट 1 क्लास 3 के लिए ओएमआर शीट है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष जो परख का एग्जाम है वह क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आयोजित होगा और क्लास 3 में 45 क्वेश्चन आएंगे, क्लास 6 में 51 क्वेश्चन आएंगे और क्लास 9 में 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ओएमआर शीट किस प्रकार से हमको फिलअप करवानी है विद्यार्थियों से। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल का नाम, तो यहाँ से स्कूल का नाम फिल कर देना है, जो भी विद्यालय का नाम है तो यहाँ पे आपको स्कूल का नाम फिल कर देनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे सैंपल के लिए हमने स्कूल का नाम फिल कर दिया और यहाँ पे सैंपल के लिए एक विद्यार्थी का नाम फिल कर दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, इस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है, उसके अनुसार ही आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पाइन पेन, यानी कि आपको केवल काले या फिर नीले बार पाइन पेन यूज करना है। डू नॉट यूज इंक और जेल पेन, यानी कि आपको इंक या फिर जेल पेन यूज नहीं करना है। और जब आप आंसर की मार्किंग कर रहे होंगे ओएमआर शीट पर, मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, जो सही उत्तर है आपको इस प्रकार से एक ही गोले को इस तरह से मार्किंग करनी है। अगर आप इस पद्धति से मार्किंग करते हैं, किसी को क्रॉस कर देते हैं, किसी में आप टिक मार्क कर देते हैं, किसी में आधा, इस प्रकार से गोला करते हैं तो यह आपका राउंड होगा, इसमें आपको स्कोर नहीं दिया जाएगा। और साथ ही आपको ओएमआर शीट को नहीं फोल्ड करनी है, यानी कि न ही मोड़ना है और न ही उसको फाड़ना है और न ही उस पर किसी प्रकार की ओवर राइटिंग होनी है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू डाइस स्कूल कोड, तो यहाँ पे विद्यालय का 11 डिजिट का यू डाइस कोड आ जाएगा। हर एक डिब्बे में एक एक डिजिट आपको फिल करनी है।
तो इस तरह से यूटा स्कोर विद्यालय का फिल कर देनी है। और यूटा स्कोर फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको अंक दिया गया है 0 से 9, हर अंक के नीचे में आपको 0 से 9 दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखिए पहले डिब्बे में क्या लिखा है, 2। तो इस रो में आपको 2 ढूंढनी है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसी 2 को आपको क्या कर देनी है, इस तरह से पूरा उस 2 को आपको इस तरह से डार्क कर देनी है, फिल कर देनी है, और वह अंक आपका दिखाई नहीं पड़ना चाहिए इस तरह से। फिर अब इस रो में आते हैं, तो इस रो में भी 2 है, तो इस रो में आपको 2 ढूंढनी है। तो यहाँ पे हमको 2 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से डार्क कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, 0, तो इस लाइन में आपको 0 पे इस तरह से डार्क कर देनी होगी। फिर यहाँ पे देखिए इस रो में 7 है, तो यहाँ पे आपको 7 ढूंढनी है इसी रो में, तो यहाँ पे हमको ये 7 मिल गया इस तरह से। फिर इस रो में क्या है, 1 है, तो इस रो में आपको 1 पे डार्क करनी है इस तरह से। इस रो में 5 है, तो आपको इस रो के 5 में डार्क करनी है इस तरह से। इस रो में क्या है, 0, तो यहाँ से आपको 0 ढूंढनी है इस तरह से। इस डिब्बे में क्या है, 8, तो इस रो में आपको 8 ढूंढनी होगी, और इसी रो के 8 पे आपको डार्क करनी है इस तरह से, उस गोले को पूरी तरह से आपको ढक देनी है। इसमें कितना है डिब्बे में, 5, तो इस रो में आपको 5 ढूंढनी होगी, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे हम 5 को डार्क कर देंगे इस तरह से। इस रो में क्या है, 0, तो यहाँ पे आपको 0 पे करना होगा इस तरह से। यहाँ पे क्या है, 3, तो इस रो में हमें 3 पे क्लिक करना होगा इस तरह से। तो साथियों इस तरह से एक लाइन में जो आपको 0 से 9 तक का अंक दिया गया है, केवल एक ही अंक आपका डार्क होगा संबंधित डिब्बे से रिलेटेड। तो इस प्रकार से आपको अंक के नीचे वाले जो डिब्बे दिए गए हैं गोल में 0 से लेकर के 9 तक, आपको संबंधित यहाँ पे जो अंक रहेगा उसके अनुरूप आपको इस डिब्बे में इस प्रकार से आपको डार्क करनी है। अगला दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए 6 डिब्बे दिए गए। तो शुरू के 2 डिब्बे आपके दिनांक के लिए हो गए, ये 2 डिब्बे आपका मंथ के लिए हो गया, और ये 2 डिब्बे आपका लास्ट के 2 डिजिट हमारा ईयर का लास्ट आ जाएगा। तो मान लीजिए किसी विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ जो है 1 फरवरी 2015 है, तो यहाँ पे हम 01 02 और यहाँ पे केवल 15 फिल करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने 01 02 और ये 15 फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ पे 0 है इस डिब्बे में, तो इस लाइन पे आपको इसी लाइन के 0 पे आपको गोला कर देनी है इस तरह से। यहाँ पे 0 है, तो हमने 0 पे गोला कर दिए। इस लाइन में क्या है, 1, तो यहाँ पे इसी लाइन में आपको 1 ढूंढनी है, इस लाइन में नहीं जानी है, बल्कि जो 1 लिखा है इसी लाइन में आपको 1 ढूंढनी है। तो हमको 1 यहाँ मिल गया, तो हम यहाँ पे 1 को डार्क कर देंगे इस तरह से। इस लाइन में 0 है, तो इसी लाइन के 0 पे हमको डार्क करनी होगी इस तरह से। इस लाइन में 2 है, तो इस लाइन के हमको 2 पे डार्क करनी है इस तरह से। इस लाइन में 1, तो यहाँ पे हमको 1 पे करना होगा। इस डिब्बे में 5 है, तो इस लाइन के हमको 5 पे गोला करनी है इस तरह से। उसके बाद अगला कहा जा रहा है आधार नंबर। तो यहाँ पे विद्यार्थी का 12 डिजिट का वैलिड आधार नंबर आपको फिल कर देनी है, 1 डिब्बे में 1 अंक, और संबंधित अंक से रिलेटेड आपको इस प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया है उसी अंक में आपको गोला कर देनी है। तो हमने यहाँ पर डेमो स्वरूप इसी प्रकार से कुछ अंक यहाँ पे फिल कर लिए हैं इस तरह से। तो इस तरह से 1 डिब्बे में 1-1 अंक आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस डिब्बे में 1 है, तो इसी लाइन के रो पे हमको 1 ढूंढनी होगी, और उस 1 पे हमको क्या कर देनी है, उस 1 को हमको पूरी तरह से इस तरह से ढक देनी है इस तरह से। फिर यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 पे आपको ढक देनी है इसी रो के। इसमें 3 है, तो आपको इसी रो में 3 पे ढूंढनी है और 3 को ढकनी है इस तरह से। यहाँ पे 4 है, तो इसी रो के आपको 4 को करना होगा। यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पर भी आपको 4 पे। इस रो में 5 है, तो इस रो के आपको 5 पे करनी है। इस रो में 7 है, तो यहाँ पे 7 पे। यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो इस लाइन के आपको 9 पे डार्क करनी होगी इस तरह से। कहने का मतलब है कि आपका एक लाइन का केवल एक ही डिजिट इस प्रकार से ब्लैक होगा, एक लाइन में केवल 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 है, तो इस लाइन में हमको 8 पे क्लिक करना होगा इस तरह से, इसको डार्क कर देनी है। यहाँ पे 4 है, तो इस लाइन के हमको 4 पे डार्क करनी है। यहाँ पे 0 है, तो इस लाइन के 0 पे। यहाँ पे 2 है, तो इस लाइन के 2 पे। और यहाँ पे 0 है, तो इस लाइन के 0 पे। तो इस प्रकार से आपको आधार नंबर भरने के बाद संबंधित अंक का मिलान करते हुए उस लाइन के आपको उस अंक को इस तरह से डार्क कर देनी है, पूरा गोला कर देनी है काले या फिर नीले बॉल पेन से। फिर यहाँ कहता है कि ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, यानी कि विद्यार्थी ने किस सन में विद्यालय में भर्ती लिया है, प्रवेश लिया है। तो यहाँ पे वह सन आ जाएगा। मान लीजिए कि विद्यार्थी ने 2021 में एडमिशन लिया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2021, यानी कि 2021। तो यहाँ पर देखिए हमने 2021 फिल कर दिया, तो यहाँ पर 2 के लिए यहाँ पे आपको 2 को डार्क करनी है। यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 0 को डार्क करेंगे। यहाँ पर 2 है, तो इस लाइन का 2 को करना है। यहाँ 1 है, तो इस लाइन का आपको 1 पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पूछा जा रहा है, तो विद्यार्थी का जो सेक्शन होगा ए है, तो आपको यहाँ पे ए लिखना होगा, तो ए को डार्क करेंगे। बी है, तो बी लिखेंगे, और बी को डार्क करेंगे, तो यहाँ पे विद्यार्थी का सेक्शन आ जाएगा।
मान लीजिए किसी विद्यार्थी की सेक्शन ए है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे हमको ए को डार्क कर देनी है इस तरह से। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कहा जा रहा है, तो स्टूडेंट आईडी है, एग्जाम दिवस आपको स्टूडेंट आईडी बता दिया जाएगा, तो विद्यार्थी का जो भी स्टूडेंट आईडी रहेगा उस आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का स्टूडेंट आईडी केवल वन डिजिट में है, मान लीजिए 2 है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, सामने में 0 और इसके बाद 2, इस प्रकार से आपको 2 डिजिट ही फिल करना है। मान लीजिए विद्यार्थी का स्टूडेंट आईडी 15 है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, एक डिब्बे में एक और एक में 5, तो यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है, तो इस लाइन में हमको एक पे डार्क करनी होगी इस तरह से। यहाँ पे 5 है, तो इस लाइन में हमको 5 ढूंढनी है, तो यहाँ 5 पे कर देंगे, इसमें 5 में नहीं करनी है, तो यहाँ पे 5 पे करनी है इस तरह से। मतलब एक लाइन में केवल एक ही अंक पे गोला लगेगा। फिर यहाँ पे सोशल ग्रुप कहा जा रहा है, तो विद्यार्थी जिस सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, एससी के लिए 1 पे गोला, एसटी के लिए 2 पे, ओबीसी के लिए 3 पे और जनरल के लिए हमको 4 पे गोला लगाना है। तो मान लीजिए विद्यार्थी ओबीसी से बिलोंग करता है, तो हम इस प्रकार से ओबीसी पे टारगेट कर देते हैं इस तरह से। फिर सी डब्ल्यू एस एन, यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तब ये वाला ऑप्शन को आपको चयन करना हो कोई एक ऑप्शन, और विद्यार्थी दिव्यांग नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है इस तरह से। फिर यहाँ पे मीडियम कहा जा रहा है, तो जैसा कि मीडियम में यहाँ पे आपको विद्यार्थी जिस मीडियम में परख एग्जाम देगा उस मीडियम का यहाँ पे आपको कोड फिल करना है। तो साथियों इस वर्ष जो परख एग्जाम है वह कुल 23 भाषाओं में ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज दिया गया है और ये उसका सरल नंबर है इस प्रकार से। मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हिंदी का कोड है 0-4, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 0-7 फिलअप कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर 7, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, मतलब कि हिंदी के लिए, तो यहाँ पे 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 डार्क हो जाएगा, और इस लाइन में 7 है तो यहाँ पे 7 पे डार्क करनी है इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पे त्रुटि हो रही है, तो आपको ध्यान रखनी है कि गोला ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से जो नीचे का अंक है आपका वह ढक जाएगा, गोला आपका पूरी तरह से ढक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया कोड है, तो ग्रामीण के लिए आपको रूरल पे टिक करना है और अर्बन के लिए, अर्बन यानी कि शहरी के लिए 2 पे टिक करना है। तो यहाँ पर यह विद्यालय इस चीज से तात्पर्य है विद्यार्थी के आवास से नहीं। मान लीजिए विद्यार्थी ग्रामीण इलाके में है तो आपको रूरल पे गोला करनी है, और विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है तो आपको अर्बन पे क्लिक करनी है। मान लीजिए विद्यालय रूरल एरिया में है, ग्रामीण इलाके में, तो 1 पे डार्क करनी है। फिर यहाँ आपको बताना है कि स्कूल का मैनेजमेंट क्या है, गवर्नमेंट के लिए 1 और एडेड के लिए 2, अनुदान प्राप्त के लिए 2 फिल कर देना है इस तरह से। यहाँ पे जेंडर है तो बॉय के लिए 1 पे क्लिक करना है, गर्ल्स के लिए 1-2 पे क्लिक करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 45 है क्लास 3 के लिए, तो विद्यार्थी ने कितने राइट आंसर दिए हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करना है जांच करने के बाद, और इस प्रकार से विद्यार्थी ने 45 में कितना अंक प्राप्त किया उस अंक को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है 1 से 12, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि विद्यार्थी ने पहला प्रश्न का प्रश्न पढ़ लिया और लगता है कि इस प्रकार से आपको प्रश्न क्वेश्चन ब्लैंक भी जारी किया जाएगा इस तरह से। मान लीजिए कि एक प्रश्न है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से नहीं टकराता है तो वह कैसे यात्रा करता है, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश जो है किसी वस्तु से नहीं टकराता है तो वह सीधी यात्रा करता है, तो इस उत्तर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर बी है, तो इस प्रकार से विद्यार्थी क्या करेगा, ओएमआर शीट के पहला प्रश्न के जो सही उत्तर है बी, तो बी को क्या कर देगा इस तरह से पूरी तरह से डार्क कर देगा इस तरह से। इस तरह से विद्यार्थी पूरे प्रश्नों के आंसर देते हुए एक प्रश्न के 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को इस प्रकार से डार्क करते जाएगा। मान लीजिए दूसरा प्रश्न का सही उत्तर सी है तो सी को डार्क कर देगा, तीसरा प्रश्न का सही उत्तर भी सी है तो सी को डार्क कर देगा इस प्रकार से, चौथा प्रश्न का सही उत्तर बी है तो बी को डार्क कर देगा इस प्रकार से, तो विद्यार्थी इस तरह से डार्क करते जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी सभी प्रश्नों के जवाब अपने रिस्पॉन्स इस प्रकार से डार्क कर देगा। अब जब समय जो अवधि है समाप्त हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, शिक्षक साथियों को सभी विद्यार्थियों का ओएमआर शीट को कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद इस ओएमआर शीट को विद्यालय में ही आपको जांच करनी है आंसर शीट के द्वारा, आंसर शीट से मिलान करते हुए। मान लीजिए कि विद्यार्थी ने यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर दिया उसने बी पे लगाया है और सही उत्तर है, तो आपको यहाँ पे जो चेक डिब्बा दिया गया है इसमें आपको इस तरह से पासिंग मार्क कर देनी होगी। यहाँ पे आपको क्या कर देनी है, पासिंग मार्क कर देनी है। तो इस तरह से आपको इसको डिब्बे में क्या कर देनी है, इस तरह से पासिंग मार्क कर देनी है। अब मान लीजिए दूसरा प्रश्न का भी उत्तर सही है तो इस तरह आपको इसको भी सही कर देनी है। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी ने गलत लगाया है तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको जांच भी करनी है, जांच करने के बाद जितने सही रहेंगे तो उतने यहाँ पे आपको संख्या लिख देनी है। मान लीजिए कि विद्यार्थी ने 40 सही किया है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
इस तरह से आप 40 लिख देंगे तो विद्यार्थी 45 से कितना स्कोर अर्जित कर लिया, 40। इस तरह से तो इस प्रकार से विद्यार्थी स्कोर अर्जित करेगा। तो इसी प्रकार से जो ए मार्कशीट है क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको क्लास 6 का ओ ए मार्कशीट का सैंपल दिया गया है, इसमें कुल 51 प्रश्न आएंगे, बाकी जो डिटेल्स है वो क्लास 3 के अनुसार ही फिलअप की जानी है। उसी प्रकार से क्लास 9 का भी ओ ए मार्कशीट यहाँ पे आपको सैंपल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी जो जानकारी है क्लास 3 के अनुसार ही फिलअप की जाएगी, केवल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 60 हो गई है और यहाँ पे जो निरीक्षक है उसका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पे CWS का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। उसके बाद देखिए ओ ए मार्कशीट को आपको किस प्रकार से जांच करनी है, तो आंसर शीट कक्षा तीसरी छठवीं एवं नौवीं हेतु उपयोगी है। शिक्षक इस आंसर शीट के माध्यम से स्टूडेंट रिस्पॉन्स की जांच करेंगे, तो शिक्षक द्वारा जो ओ ए मार्कशीट पर लगे गोले से आंसर शीट के गोले से मिलान कर सही उत्तर होने पर ओ ए मार्कशीट के चेक बॉक्स पर सही का निशान लगाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है इस तरह से। उसके बाद इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये विद्यार्थियों के रिस्पॉन्सेस है, या यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में आपको बतानी है कि सही के लिए सही, गलत के लिए गलत, इस प्रकार से। तो ये चीजें आपको कर लेनी, तो ये हो गया पहला काम और ये हो गया दूसरा काम। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण काम है कि विद्यार्थी द्वारा जो उत्तर का अंकन किया गया, जो उनके रिस्पॉन्सेज है, उसको किस प्रकार से आप वेबसाइट के लिंक पे ऑनलाइन एंट्री करेंगे। तो चलिए हम आप आगे प्रोसेस बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है इस लिंक में ही आपको विजिट करनी है। यह लिंक भी आपको आपके संकुल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा मॉक टेस्ट के 1 या 2 दिवस पूर्व। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लिंक ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए कहा, विषय परक की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट राज्य स्तरीय उपलब्धि परीक्षण SLAS का आयोजन। यहाँ पे जो डिटेल दी गई है वह केवल संभावित है, जिस दिवस राज्य स्तरीय मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा उसका जो दिनांक है, डेट है, वह आपको संकुल के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि देखिए परक परीक्षा अनुसार ही कुल विषय या प्रश्नों की संख्या एवं सर्वेक्षण की अवधि निर्धारण किया जाएगा, और शालाओं को इसके अनुरूप ओ ए मार्कशीट एवं प्रश्न पत्रों की जो PDF है निर्धारित तिथि के 2 दिवस आपको भेज दिया जाएगा। संकुल स्तर से अपने संकुल के भीतर की शालाओं, इसमें शासकीय या केंद्रीय, निजी या फिर अनुदान प्राप्त के लिए निर्धारित कक्षा क्लास 3, क्लास 6 एवं 9 के बच्चों की संख्या के आधार पर ओ ए मार्कशीट एवं प्रश्न पत्रों की फोटो कॉपी निकाल कर रखनी होगी। आकलन के 1 दिन पूर्व का वितरण सभी शालाओं में किया जाएगा और आकलन की प्रविष्टि का लिंक भी उनके साथ साझा किया जाएगा। शालाओं में आकलन का आयोजन राज्य द्वारा सुझाए गए समय के अनुसार ही किया जाएगा। शाला लगने के समय में यदि अलग स्थिति होने पर समय में परिवर्तन किया जा सकता है। शाला संकुल प्राचार्य द्वारा मॉक टेस्ट के दौरान सभी शालाओं के निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर्वेक्षण अपेक्षित मापदंडों के अनुरूप हो और उसकी सही प्रविष्टि हो गई है। सर्वेक्षण समाप्त होने पर उसी दिन 2 शिक्षक विद्यार्थियों की ओ ए मार्कशीट की प्रविष्टि निर्धारित लिंक में करेंगे। यानी कि यहाँ पे 2 शिक्षक इसलिए कहा जा रहा है कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थी की ओ ए मार्कशीट को पकड़ के बैठेगा और दूसरा शिक्षक उसको ऑनलाइन एंट्री अपने मोबाइल या फिर अन्य माध्यम से करेगा। तो एक शिक्षक उस विद्यार्थी की ओ ए मार्कशीट में जो विद्यार्थी द्वारा उत्तर का अंकन किया गया है उसके बोलते जाएगा, और दूसरा शिक्षक सुन करके संबंधित विद्यार्थी के ऑनलाइन एंट्री करते जाएगा। मान लीजिए पहले शिक्षक ओ ए पकड़ा हुआ बोलता है कि पहला प्रश्न का बी, दूसरा का सी, दूसरा तीसरा का सी, इस प्रकार से, तो संबंधित दूसरा शिक्षक और सुन सुन के उसकी प्रविष्टि करते जाएगा। ऐसा एंट्री करने पर उसमें प्रविष्टि जो है बहुत जल्दी हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी नहीं होगी। तो इस तरह से एक विद्यार्थियों की ऑनलाइन प्रविष्टि करने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार सर्वेक्षण के राज्य स्तरीय आंकड़े उसी दिन शाम तक राज्य के पास उपलब्ध हो जाएंगे और इस प्रक्रिया का एक टेस्ट रन भी किया जाएगा। प्राप्त डाटा के संकलन और विश्लेषण के लिए विद्या समीक्षा केंद्र का सहयोग लिया जाएगा।
प्रत्येक मॉक टेस्ट से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी, और मॉक टेस्ट की शालावार रिपोर्ट शाला के निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति का आकलन भी कर सकेंगे और सुधार के आवश्यक क्षेत्र को पहचान कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको वेब लीड में विद्यार्थियों द्वारा अंकन जो उत्तर अंकन किया गया है अपने OMR शीट में उसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लिक हियर टू, जैसे ही आप इस लिंक पे विजिट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा जहाँ पे कहा जा रहा है कि एड न्यू डाटा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एड न्यू डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटर स्टूडेंट यूनिक यू आईडी यानी कि पेन नंबर यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, और यह नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपके यू डाइस लॉग इन से। तो उसके लिए देखिए आपको संबंधित क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के विद्यार्थियों का आपको पहले से ही पेन नंबर निकाल करके अपने पास प्रिंट सुरक्षित रख लेनी है, ताकि जिस मॉक दिवस आप इसकी प्रविष्टि कर रहे हो तो आपको संबंधित विद्यार्थी का पेन नंबर ढूंढने में दिक्कत करनी न पड़े। तो हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप विद्यार्थियों का एग्जाम पेन डिटेल निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने विद्यालय के U+ में जाकर के अपने विद्यालय की आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करनी है। लॉगिन करने पे आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ता है। डैशबोर्ड के जस्ट नीचे में आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दिखाई पड़ता है, आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया एक्टिव स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है डाउनलोड एक्सेल, तो आपको ये डाउनलोड एक्सेल पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो डिटेल आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये आपका एक्सेल फॉर्मेट आपके ओपन मोबाइल या फिर सिस्टम में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्लास दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, उनका जेंडर, यहाँ पे उनका किस सन में किस में आपने विद्यार्थी की एंट्री की हुई है वह सन आपको दिखाई पड़ जाएगा, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट पेन नंबर भी आपको दिखाई पड़ जाता है, तो इसको आपको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। उसके बाद चलिए हम यहाँ से एग्जाम्पल के लिए एक विद्यार्थी का यहाँ से एक पेन नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्लास 3 का ही। अब कॉपी करने के बाद हम ये वेब लिंक पे चले आते हैं, और यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कहता है इंटर स्टूडेंट यूनिक यू आईडी, तो यहाँ पे हम उनका पेन नंबर फिल करेंगे। पेन नंबर फिल करने के बाद यहाँ में हमें विद्यार्थी का नाम फिल कर देना है, तो चलिए हम यहाँ पे विद्यार्थी का नाम फिल कर लेते हैं। नाम फिल करने के बाद यहाँ पे इंटर यू डाइस कोड दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का 11 डिजिट का यू डाइस कोड फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लास चयन करना पड़ेगा कि किस क्लास के विद्यार्थी हैं, 3 के लिए 3, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9, तो यहाँ पे हम 3 का चयन कर लेते हैं। यहाँ से आपको बतानी है विद्यार्थी का जेंडर क्या है, कि मेल है कि फीमेल है कि अदर है, तो यहाँ पे ये मेल हम चयन कर लेते हैं। उसके बाद ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए विषय दिखाई पड़ता है पर्यावरण, गणित और हिंदी। तो यहाँ से साथियों जो विद्यार्थी का जो आपने OMR शीट रखा हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे आपको जो OMR शीट है इसमें आपको देख लेनी है कि कौन सा सेक्शन किस विषय से संबंधित है। मान लीजिए कि शुरू के 15 प्रश्न जो आपके हिंदी से संबंधित है, तो सबसे पहले आपको हिंदी की आप प्रविष्टि करेंगे इस तरह से, तो आपको हिंदी पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके अनुसार से आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो 15 क्वेश्चन है गणित के है, तो फिर आपको गणित पे प्रविष्टि करनी है, और तीसरा सेक्शन पर्यावरण का है, तो आपको पर्यावरण पे एंट्री करनी है। तो आपको यहाँ पे OMR शीट में जो उत्तर का अंकन है इसके लिए जो प्रश्न बुकलेट है उसको आपको एक बार देखनी होगी कि कौन सा सेक्शन किस विषय से रिलेटेड है, उसके अनुसार ही आपको उत्तर की प्रविष्टि करनी है। यदि आप विषय का सेक्शन देखे बगैर यदि आप OMR शीट की दाएं दाएं प्रविष्टि कर देंगे तो वहां पर त्रुटि हो जाएगी, तो इसलिए आपको OMR शीट में जो विद्यार्थी के उत्तर का अंकन करते समय आपको विषय का सेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1 से लेकर के जो शुरुआत के 15 प्रश्न हमारा पर्यावरण से संबंधित है, तो हम ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले ये पर्यावरण पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पर्यावरण पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक और उसके ये चर्चर ऑप्शन हमें दिखाई
पढ़ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब आप विद्यार्थी द्वारा अंकन की गई जो ओ मार्कशीट पर जो उत्तर अंकन की गई उसकी जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो यहाँ पर दो शिक्षक साथी इन्वॉल्व होंगे। एक शिक्षक साथी संबंधित विद्यार्थी का ओ मार्कशीट पकड़ लेगा और दूसरा विद्यार्थी एंट्री करते जाएगा। पहला शिक्षक साथी बोलते जाएगा कि पहला प्रश्न का बी, दूसरा का सी, तीसरा का सी, इस प्रकार से। तो जो एंट्री कर रहा होगा शिक्षक साथी वो सुन सुन के इस प्रकार से पढ़ते जाएगा कि पहला प्रश्न का मान लीजिए कि बी है, दूसरा का सी है, दूसरा का सी है, इस प्रकार से। तो जब आसानी होगी और एक विद्यार्थी की डाटा फिलअप करने में आपको 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ पे जो विद्यार्थी ने ओ एम आर शीट फिलअप किया हुआ है, इस तरह से उसी उत्तर को आपको लेते जानी है। जो आपने पास किया उसको आपको नहीं लेना है। मान लीजिए विद्यार्थी ने पहले प्रश्न पे दूसरे पे गोला लगाया बी पे, तो आपको बी भरनी है। दूसरे प्रश्न पे सी पे लगाया तो आपको सी भरनी है। तीसरे प्रश्न पे बी पे लगाया तो आपको बी भरनी है, इस तरह से। तो आपको विषय को भी एक बार देख लेनी है कि कौन सा खंड किस विषय से संबंधित है। तो चलिए हम जल्दी से इसको फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पर्यावरण खंड के पूरे 15 प्रश्न फिलअप कर लिए हैं। इसके बाद क्या करनी है हमको, ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही हमने सबमिट किया, देखिए यहाँ पर जो परसेंट बार है वो क्या हो गया, 2% से 30% हो गया, यानी कि एक विषय का हमने एंट्री कर ली है। और यहाँ पर देखिए ये नीला से हरा हो चुका है। अब मान लीजिए दूसरा सेक्शन हमारा हिंदी का है, तो हम हिंदी से प्रविष्टि करेंगे। हिंदी पे क्लिक करते हैं तो हिंदी का यहाँ पे प्रश्न क्रमांक और उसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। और विद्यार्थी ने जैसा उत्तर अंकन किया हुआ है तो एक शिक्षक खाते बोलते जाएगा और दूसरा सुन करके उसको एंट्री करते जाएगा। चलिए हम इसका भी एंट्री कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने हिंदी विषय की भी विद्यार्थी द्वारा लिए गए रिस्पॉन्स की प्रविष्टि कर ली है। यहाँ पे जो जानकारी मैं बता रहा हूँ केवल एक डेमो स्वरूप है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल फिल हो गई है। उसके बाद फिर से हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा हिंदी वाला विषय क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, नीले कलर से ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा परसेंट बार है वह 30 से क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। देखिए 30 से क्या हो गया, ये 58% हो चुका है। और ये हमारा हिंदी भी हमारा क्या हो गया है, नीला से ग्रीन हो गया। अब लास्ट सेक्शन हमारा गणित का है, तो हम गणित पे क्लिक करेंगे और इसको भी फिलअप कर। तो यहाँ पर हमने गणित विषय के भी सभी प्रश्नों के रिस्पॉन्स फिल कर दी है जो विद्यार्थियों ने अंकन किया हुआ था। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ समय लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो नीला दिखाई पड़ रहा है यह भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और हमारा परसेंट बार 58 से क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 86% हो चुका है और तीनों विषय हमारा क्या हो चुका है, नीले से ग्रीन हो गया, हरा हो गया। उसके बाद आपको लास्ट टाइम ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएगा कि सबमिटेड फॉर्म स्टेटस यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर इन डाटा बेस। उसके बाद फिर आपको दूसरे विद्यार्थी का एंट्री करने के लिए फिर से आपको सबमिट अगर फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको ये एड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर से इस तरह से जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको विद्यार्थी का पेन नंबर, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड, मान लीजिए सिक्स क्लास का है तो आपको सिक्स का चयन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो भी जेंडर है जेंडर चयन कर लेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो सिक्स के मामले में आपका विद्यार्थी का 45 की जगह में 51 क्वेश्चन खुलेंगे और वो भी आपका 3 विषय में आपका डिवाइड रहेगा। उसी प्रकार से ये देखिए हमारा सिक्स क्लास भी 3 विषय में डिवाइड है, विज्ञान, गणित और हिंदी, जो कि प्राइमरी में पर्यावरण था इसलिए वहां पे पर्यावरण था। तो आपको जब इसकी प्रविष्टि कर रहे होंगे तो आपको एक बार देख लेनी कि कौन सा खंड किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका 51 क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम यहाँ से बैक हो। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए कि 9th क्लास के विद्यार्थी का चयन किया, फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 9th क्लास के लिए 60 क्वेश्चन आ जाएगा कि पर विषय में आपका 20। यहाँ पर देखिए 9th क्लास में 4 विषय डिवाइड हो गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और हिंदी। तो आपको वहां पे जो क्वेश्चन बुकलेट रहेगा उसमें आपका डिवाइड रहेगा कि किस विषय में कहाँ से कहाँ तक के प्रश्न है। तो उसको आपको एंट्री करने के पहले आपको उसको ध्यान देनी पड़ेगी बुलेट के आधार पर कि विद्यार्थी ने किस सेक्शन में किस विषय के प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। मान लीजिए कि पहला सेक्शन आपका सामाजिक विज्ञान का है, तो जब आप प्रविष्ट कर रहे होंगे तो पहला सेक्शन आपका सामाजिक विज्ञान से हो जाएगा, तो आपको सामाजिक विज्ञान की पहले एंट्री करनी है। दूसरा सेक्शन मान लीजिए हिंदी का है तो आपको हिंदी की एंट्री करनी पड़ेगी। तीसरा सेक्शन विज्ञान का है तो आपको विज्ञान की एंट्री करनी पड़ेगी। और लास्ट सेक्शन गणित का है तो आपको गणित की एंट्री करनी पड़ेगी। और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है फाइनल, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। तो आई होप
साथियों कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा कि किस प्रकार से ये आपको मॉक टेस्ट का आयोजन जो है विद्यालय स्तर पर आयोजित करनी है। मॉक टेस्ट में आपको किस प्रकार से विद्यार्थी जो है उत्तर का अंकन करेंगे, किस प्रकार से आप उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद आप किस प्रकार से इसकी प्रविष्टि जो है राज्य द्वारा जारी किया गया जो वेब लिंक है उसमें आप आसानी से कर पाएंगे। इससे संबंधित और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहर।